मटर पनीर की टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी आपको बनानी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ना इसमें कोई क्रीम एडेड है, ना ही काजू का पेस्ट और ना ही हमने दही का इस्तेमाल किया है। इसमें बटर भी एडेड नहीं है और फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप अपने घर के किसी भी मेनू के जन पे इसे बना के सर्व कर सकते हैं, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। मसाले के लिए हमें 8 से 10 कली लहसुन को पील कर लेना है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लेंगे, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 4 हरी इलायची और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। इसके साथ ही हमें मटर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश मटर लिया है। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एज इट इज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसे 5 मिनट के लिए पानी में बॉयल कर लीजिए, या फिर 2 मिनट के लिए आप उसे मरवे भी कर सकते हैं। 200 ग्राम पनीर ले लेंगे, जिसे स्क्वायर पीसेस में इस तरह से हमें काट लेना है। पीसेस थोड़े मीडियम ही रखेंगे। ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद एक बॉल में 2 कप पानी ऐड कर लिया मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का। ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पानी में हम पनीर को फ्राई करने के बाद डालेंगे, जिससे पनीर काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। अब पनीर को फ्राई करने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी, और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के बीच हल्का गुलाबी होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो हार्डली आपको 5 मिनट का समय लगेगा। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद सबको फ्लिप कर देंगे इस तरह से रखते हुए। तो यहाँ पे सबको फ्लिप कर लिया मैंने अच्छी तरह से, और देख सकते हैं आप हल्का सा गुलाबी हो गया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर। तो पनीर अच्छी तरह से फ्लिप हो चुका है, तो अब इसे बाहर निकालेंगे जो हमने पानी तैयार करके रखा था उसमें। तो इस तरह से पनीर को फ्राई करने के बाद अगर आप उसे पानी में सोक करके रखते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो ये टिप आप किसी भी पनीर की सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप पनीर को फ्राई करके ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिला लिया मैंने ताकि नमक इवनली स्प्रेड हो जाए, और इसे हम साइड में रख देते हैं और तब तक इसको पानी में रहने देंगे जब तक कि ग्रेवी तैयार ना हो जाए। अब सेम पैन में जो घी बचा था उसी में हम मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी इलायची ऐड कर देंगे, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज हल्का सा गुलाबी ना हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि प्याज का रंग गुलाबी हो गया और थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया। इस स्टेज पे इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और इसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से मैश ना हो जाए। आप चाहें तो इसे कवर करते हुए पका सकते हैं, जल्दी पक जाएगा। और दूसरा टिप ये है कि आप इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दीजिए, तब भी ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जब टेक्सचर आ जाए पूरी तरह से, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, जब हम मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश हो रहा है, तो ये तैयार है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसका एक मसाला पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 तेल, जैसे ही गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच ज़ीरा और इसे भूनने देंगे। ज़ीरा भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 कली लहसुन को फाइनली चॉप करके, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें मसाला पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने पहले से पीस के रखा था। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच ऐड की है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमें धनिया पाउडर ऐड करना है। इन मसालों के अलावा इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। जब आप ये सब्जी बनाएंगे तब आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। तो अब मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार, और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। अब इसे हम कवर कर देते हैं लगभग 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि मसाले का जो कच्चा फ्लेवर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे लगभग 8 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भूनिए, ये मसाला थोड़ा सा छिटकता है, तो ध्यान रखते हुए आप चाहें तो आधा कवर करके भी इसे भून सकते हैं। तो इन मसालों को भूनने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, तभी मसाला अच्छी तरह से भुनेगा और आप नोटिस करेंगे कि ये साइड से तेल सेपरेट करने लगेगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है और कलर भी काफ़ी ब्राइट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें मटर के दाने ऐड कर देंगे, और इसके साथ इसे लगभग 2 मिनट तक और भुनेंगे।
को मसाले के साथ भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, तो 1 कप पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी है ये। तो मिलाने के बाद जैसे इसमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा, हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे जो हमने पानी में सोख करके रखा था। तो पानी ऐड नहीं करना है, पानी को आप निकाल के फेंक दीजिए और पनीर के पीसेस को इस तरह से ऐड कीजिए। यहाँ पे ऐड कीजिए बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप नोटिस करेंगे कि इस सब्जी में मैंने गरम मसाला कभी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। मिलाने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मैंने और कवर किया, जैसे ही तेल ऊपर आ गया। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी पक चुका है, पनीर के पीसेस आप नोटिस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सिंपल बेसिक मसाले के साथ ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने घर के किसी भी मेन ओकेजन के लिए भी इसे बना के सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।